हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत दिन के बाद मैं शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि रहेगा मेरा वर्कआउट के ऊपर। तो चलिए जिम में। हाय फ्रेंड्स, तो आज का जो वर्कआउट रहेगा चेस्ट के ऊपर रहेगा। स्टार्टिंग में हम फ्लैट डंबल प्रेस मारेंगे। ये मेरा थर्ड नंबर सेट था, इसलिए मैंने 30 लिया था और थोड़ा अपने ट्रेनर से हेल्प भी लिया था। तो आप 15, 20, 25 से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं। तो जितना कम वेट से स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। अभी जो हमारा सेकेंड वर्कआउट रहेगा वो है केबल क्रॉस। इसमें भी मैंने लास्ट सेट का ही सिर्फ वीडियो बनाया। मैंने सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप में सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि चेस्ट के वर्कआउट में मैं क्या करता हूँ स्टेप बाय, मतलब स्टार्टिंग टू एंड। तो इसलिए मैंने एक एक करके वीडियो बनाया है। तो ये भी जितना आप कम लेंगे, जितना आप पकड़ के मारेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। सब 3 सेट करके रहेगा, सब 15, 12, 10 करके आप मार सकते हैं। ये मेरा तीसरा नंबर का सेट है, जो कि रहेगा इंक्लाइन प्रेस। अभी जो हमारा चौथा नंबर का एक्सरसाइज है वो है मशीन फ्लाई। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, एक प्रेस मूवमेंट करता हूँ, एक फ्लाई मूवमेंट करता हूँ, एक प्रेस मूवमेंट करता हूँ, एक फ्लाई मूवमेंट करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि प्रेस मुझे थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिल जाता है सेकेंड का जो प्रेस मूवमेंट रहे उसमें पावर गेन करने में। लास्ट का जो ये मेरा एक्सरसाइज है ये डिक्लाइन प्रेस रहेगा। सब जितने भी आप एक्सरसाइज देख रहे हैं स्टार्टिंग टू एंड, तो 3 सेट करके रहता है सब, और 15, 12 या फिर 10 करके मार सकते हैं। अगर जितना आप हेवी वेट लेंगे आप रिपीटेशन कम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब एक्चुअली क्या है कि माइंड मसल कनेक्शन जितना अच्छा होता है, कि आप कम वेट लीजिए कि भारी वेट लीजिए वो मैटर नहीं करता, माइंड मसल कनेक्शन बहुत मैटर करता है। उससे हमारा डेवलपमेंट उससे ही बहुत अच्छा होता है। तो गाइज, मेरा वर्कआउट तो ख़त्म हो चुका है और मैं चले आया अपना पंप देखने। चेस्ट का पंप तो बहुत बेहतरीन आया। आई होप आप सबको वर्कआउट देख के मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे अगर इंडिविजुअल वर्कआउट वीडियोस देखना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस आउट।